What's going on guys, Ajay here. आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं PS4 Jet Black 1TB वेरिएंट की। तो ये मैंने अमेजन से ले रखा है अप्रॉक्स 32,000 का। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो ये है बॉक्स PS4 का। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 1TB वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है, जो जेट ब्लैक वेरिएंट में देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पे नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपको अनचार्टेड के बहुत सारे सीरीज़ देखने को मिल जाते हैं, जैसे अनचार्टेड 1, 2 एंड 3। और यहाँ पे अनचार्टेड के जो कलेक्शन है वो भी आपको इस CD में, मतलब इस PS4 में देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें मैंने आपको लास्ट ऑफ अस की जो रिमास्टर्ड की जो सीरीज़ है वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 4 गेम्स साथ में देखने को मिल जाते हैं। और पीछे की तरफ जब हम स्क्रॉल करते हैं बॉक्स को, तो यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स के बने हुए हैं और ये जो ग्राफिक्स है बहुत बेस्ट है। और इसमें साथ में मैंने आपको बताया कि मेरे जो PS4 के साथ में जेट ब्लैक 1TB के साथ में 2 CD आई है। जो पहली है वो है अनचार्टेड की कलेक्शन, जिसमें 1, 2, 3, 4 जितने भी कलेक्शन है वो सारे हैं। और जो दूसरी बॉक्स है वो है द लास्ट ऑफ अस CD की। तो सबसे पहले हम इसे काटते हैं इसको और निकालते हैं CD को और दिखाते हैं कि CD में है क्या। तो यहाँ पे जो फर्स्ट CD है वो है द लास्ट ऑफ अस रीमास्टर्ड की। तो ये आप अमेजन से भी ले सकते हैं, इसकी जो प्राइस है अप्रॉक्स 1700 है। बट ये जो CD है ये मेरे को PS4 जेट ब्लैक 1TB के साथ फ्री में मिली है। और जो नेक्स्ट CD है वो है अनचार्टेड की पूरी कलेक्शन। तो इसमें आपको 4 कलेक्शन अनचार्टेड के देखने को मिल जाते हैं, अनचार्टेड 1, अनचार्टेड 2 एंड अनचार्टेड 3। तो अनचार्टेड के जितने भी पार्ट हैं आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी CD अप्रॉक्स अमेजन पे आपको 2000 में देखने को मिल जाती है। तो अब हम करते हैं बॉक्स की अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या कंटेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको VR का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हम बॉक्स को सबसे पहले ओपन करते हैं। बॉक्स वैसे बहुत ज़्यादा भारी है, हम इसको अभी निकालते हैं। और निकालने के बाद इसमें जो आपको कंटेंट्स देखने को मिलेंगे, तो बॉक्स के अंदर भी बॉक्स इन्होंने जो पैकिंग की है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और तो चलिए हम बॉक्स को पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी मैंने इसे डब्बे में से निकाल लिया है और डब्बे को करते हैं साइड और निकालते हैं इसमें से जो भी कंटेंट्स हैं। तो ओपन करते हैं बॉक्स को और देखते हैं कि इसके अंदर कंटेंट्स क्या है। तो बॉक्स ओपन करने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ओपन हो ही जाएगा। तो बॉक्स को ओपन कर दिया है और अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें सोनी की तरफ से कंटेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो कंटेंट है वो PS4 का आपको जेट ब्लैक का वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। और ये इसकी जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो बैक साइड से खोलते हैं और बैक साइड से देखते हैं कि इसमें और क्या क्या कंटेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे वायरिंग, मतलब एसेसरीज जो PS4 की देखने को मिल जाती है। तो ये आपकी जो है ये एक VGA केबल है, आप इसे VGA केबल से यूज़ कर सकते हैं अपने TV में कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर भी आपको एक और ऐसा ही केबल देखने को मिल जाता है, जो एक पावर केबल है। यहाँ पे आपको एक लीड मिल जाती है, अगर आपको कमेंट्री करनी है अपने गेम प्ले में या कोई भी ऐसी चीज़ें करनी है तो आप लीड का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं, जो आपको फ्री मिलती है। तो यहाँ पे एक और हमें दे रखा है पावर बटन, मतलब पावर केबल जो यूज़ कर सकते हैं, आपने दो केबल दे रखा। तो यहाँ पे कुछ आगे कुछ हमें पेपर वर्क मिल जाते हैं, पेपर वर्क में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो आप इसे पढ़ लेना, मैं तो अभी पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो इसमें आपको 2 पेपर वर्क दे रखे हैं, तो दोनों आप पढ़ लेना अगर आपको जानना है PS4। तो ये मैंने बताया, ये लीड है जो आपको मिलती है, हेडसेट है। और इसकी जो मतलब जो डिज़ाइन है वो एक बेस्ट डिज़ाइन है, सोनी की तरफ से आया, तो बेसिकली डिज़ाइन तो अच्छा हो गई। तो अब नेक्स्ट है जो है वो है कंट्रोलर डुअल शॉक का। तो ये सोनी की तरफ से आया है, ये एक कंट्रोलर है जेट ब्लैक कलर में। और कंट्रोलर आप देख सकते हैं इसमें आपको बहुत सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं, टेक्टाइल बटन्स हैं, बहुत ज़्यादा कैपेसिटिव है। और पीछे के भी आपको L1, L2, R1, R2 और बहुत सारे ऐसे सोनी के जो बटन्स हैं आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक बेस्ट है, इसे आप वायरलेसली भी चला सकते हैं। अगर आप इसे चार्ज कर लेंगे अपने PS4 से तो आप इसे वायरलेसली भी चला सकते हैं। तो इसकी जो टच रिस्पॉन्स है, मतलब जो बटन्स है, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और करते हैं हम इसे साइड और देखते हैं कि और क्या क्या है बॉक्स में। तो बॉक्स में अब खोल दिया है, तो बॉक्स में अब कुछ भी नहीं बचा है। तो चलते हैं अब हमारे PS4 जेट ब्लैक की तरफ। तो सबसे पहले जो PS4 का बैक साइड है वहाँ पे आपको कुछ पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, वो एक पहला लैन केबल का है, दूसरा आपको एक USB और HDMI केबल देखने को मिल जाता है। तो बात करें PS4 के फ्रंट साइड की, तो आपको पहले एक बटन देखने को मिल जाता है पावर ऑन और ऑफ का, और जो सेकंड बटन है वो एक PS4 की CD को इंसर्ट करने का है। तो अगर आपको PS4 की CD लगानी है, निकालनी, तो आप इस बटन की हेल्प से उसे निकाल और लगा भी सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें जो देखने को मिल जाता है वो कुछ 2 पोर्ट्स
हमें देखने को मिल जाते हैं। जो पहला पोर्ट है वो यूएसबी का है, जिसमें आप अपने कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। और जो दूसरा जो हमारा जो पोर्ट है वो है एक फ्लैश ड्राइव का, जिसमें आप फ्लैश ड्राइव लगा करके गेम की स्ट्रीमिंग उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें PS4 के ओवरऑल डिजाइन एंड क्वालिटी के बारे में, तो PS4 की जो क्वालिटी है आपको एक प्रीमियम क्वालिटी में देखने को मिल जाता है। इसका जो डिजाइन है आपको एक स्लीकी लुक प्रोवाइड करता है, तो ये आपको एक प्रीमियम क्वालिटी में देखने को मिल जाता है। एज कंपैरिजन करें अगर हम PS3 से, तो PS3 का जो वेटेज था वो भी एक जो PS4 है उससे थोड़ा ज्यादा है, बट जो PS4 का वेटेज है वो एक आपको कॉम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, जिसे आप कहीं भी कैरी करके लेकर जा सकते हैं। तो अगर आपको ये PS4 परचेज करना है तो ये आप जेट ब्लैक वेरियंट 1 TB वेरियंट में परचेज कर सकते हैं। अमेजन से नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखे, वहां से भी जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है आपको 33,000 में देखने को मिल जाती है अमेजन से। और अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आपको डेली ऐसी PS4 से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो आगे इस चैनल पे आपको PS4 से रिलेटेड जितने भी गेम्स हैं वो सारे एक्साइटिंग गेम्स जो आपको एक लाइव स्ट्रीम में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आपको ऐसे ही रोज कंटेंट देखने को मिलेंगे PS4 से रिलेटेड। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।